खबर पलामू से है, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर पलामू जिले के चैनपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्कूली बच्चों के साथ शिक्षकों व अभिभावकों ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय विद्यालय शिक्षिका बबली कुमारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी इस देश की आजादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस देश में बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए, लेकिन सिर्फ महात्मा गांधी ही ऐसे थे जिनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। पिता वही जो जीवन के हर सुख दुख में खड़ा रहे, महात्मा गांधी ने देश को अपने बच्चों की तरह संभाल के रखा। तो वहीं आम आदमी पार्टी पलामू प्रमंडल इकाई के द्वारा मेदिनीनगर टाउन हॉल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और गांधी जयंती मनाई गई। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। आज मैं उपस्थित हूँ चैनपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय पलामू के अंदर, जहाँ पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के शुभ अवसर पर नन्हे मुन्हे बच्चों के साथ स्कूल के अध्यापक और कर्मी भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए जानते हैं शिक्षकों का विचार कि आप अपने बच्चे को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के शुभ अवसर पर। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड हियर प्रेजेंट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जयंती की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज टुडे वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग एज गांधी जयंती 2 अक्टूबर, एंड वी कैन लर्न महात्मा गांधी, फ्रॉम महात्मा गांधी मेनी थिंग्स। महात्मा गांधी ऑलवेज सपोर्ट पीस एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। सो इन दिस ओकेजन आई वुड लाइक टू से ऑल ऑफ यू दैट ऑलवेज फॉलो द नॉन वायलेंस एंड always walk on the path of truth and honesty. And with the help of these two things, these are the tools through which you can achieve anything, whatever you want to in your life. Whatever you want to become, it will help you. These two tools, that we, one is truth and non-violence. With the help of these two tools, Mahatma Gandhi has won this country, all over India. So we got freedom with the help of these two tools. So in this day, I would suggest all of you follow truth and honesty and be honest in your work, and you will definitely achieve whatever you want. That's it for today. Thank you so much, sir. TV One India News से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और TV One India News की तरफ से आप सभी शिक्षकों को और यहाँ के विद्यार्थियों को महात्मा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर ढेर सारी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। पलामू से अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। देखते रहिए टीवी वन इंडिया न्यूज। नमस्कार। और टीवी वन इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।